स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज। और यह है क्वेश्चन आपके सभी वेरी वेरी मोस्ट मेन क्वेश्चन, आपके सभी क्वेश्चन आपके लेखपाल भर्ती में पूछे गए हैं। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें आप लोग, और इस चैनल को लाइक करें आप लोग। और यह है क्वेश्चन आपके जो इस वीडियो में हम आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मेंट हैं। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। हम तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या है, 1945 में पारित किया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1945 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो है आपका, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने परसेंट पद आरक्षित हैं? तो इसका आंसर क्या है, 33%। और यह है आपका कब किया गया था, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। यानी कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने परसेंट पद आरक्षित किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या है, 33%। और यह आरक्षण कब किया गया था, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया था। और यह सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट हैं, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग। और जो कैंडिडेट नए हों वह सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तभी इसके बाद आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा है नंबर तीन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब क्या होता है, भू अधिकारी के प्रलेख। यानी कि जमाबंदी का तात्पर्य क्या होता है, भू अधिकारी के प्रलेख। और इसमें क्या होता है, जमाबंदी पटवारी का बही खाता होता है जिससे काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। ध्यान रखना आप, ये भू अधिकारी के प्रलेख का मतलब क्या होता है, जमाबंदी पटवारी का बही खाता होता है जिससे काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार है आपका, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। यानी कि SGSY का पूर्ण रूप क्या होता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। तो ध्यान रखना आप, ये सभी क्वेश्चन आपके लेखपाल भर्ती में पूछे गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर पांच लिखा हुआ है, एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इटावा जिला न्यायालय। एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के
के रूप में कार्य करता है, इटावा जिला न्यायालय करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? पंचायत समिति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? इसमें आपका आगरा और कानपुर दोनों हैं। ध्यान रखना आप, ये कंबाइंड रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाता है पेपर में, और ये आगरा या कानपुर में से एक ऑप्शन भी आपको पेपर में मिलता है। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आगरा और कानपुर। तो ध्यान रखना आप, ये एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कौन कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। और इसके बाद है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आगरा और आपका कानपुर। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें आप लोग। और इसके बाद भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए आप लोग जो कैंडिडेट नए हों वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता है? उसे कहा जाता है गिरदावरी। ध्यान रखना आप, ये लेखपाल भर्ती में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता है, उसको क्या कहा जाता है? गिरदावरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक बिसवा एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिसवा एक बीघा से क्या अनुपात है? 1:20। और इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम, एक बीघा से 20 बिसवा है, अर्थात बिसवा यानी कि बीघा एवं बिसवा का अनुपात 1:20 है, अर्थात बीघा एवं बिसवा का अनुपात 1:20 है। बीघा या बिसवा खेत की माप की इकाई है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया लेखपाल भर्ती में कि बीघा या बिसवा क्या होता है? तो बीघा या बिसवा खेत की माप की एक इकाई है। तो ध्यान रखना आप, ये सभी क्वेश्चन मोशनमेंट है, यानी कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता है, उसको बोला जाता है गिरदावरी। और एक बिसवा एक बीघा से क्या अनुपात है? 1:20। और एक बीघा से 20 बिसवा है, अर्थात बीघा एवं बिसवा का अनुपात कितना होता है? 1:20 होता है। और बीघा या बिसवा खेत की माप की एक इकाई होती है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? इसका आंसर क्या है? गन्ना। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? एक ग्राम में गांव के यानी कि वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 5 से 20। और इसका मीनिंग समझ लेते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है लेखपाल भर्ती में। तो ध्यान रखना आप, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना। और एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि पंच कहा जाता है। और पंच कितने होते हैं? 5 से 20 होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है आपके सामने, ये आपके सामने कथन लिखा हुआ है, अभी सभी यानी कि अभी सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं,
अभी सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये कथन किसका है? और ये कथन किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा था 1947 में, अभी सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और ये वाक्य इन्होंने कब दिया था? 1947 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? 90 डेसिबल। तो ध्यान रखना आप, ये डीबी का मतलब होता है डेसिबल। डेसिबल जो होती है ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है, जिसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल भर्ती में पूछा गया है कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डीवी। और डीवी का मतलब क्या है? डेसिबल। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः होता है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः होता है, तो इसका आंसर क्या है? 20%। यानी कि धान में भूसी का कितना परसेंट होता है? 20%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की इकाई में परंपरागत लकड़ी कोमा गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका लेखपाल भर्ती में आ चुका है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की इकाई में परंपरागत लकड़ी कोमा गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 85%, 85%। तो ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सभी, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानता कितना है? 20%। और कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की इकाई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? यानी कि कितना? 85%। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है, और कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि कभी सही टाइम पे वर्षा हो जाती है और कभी वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये आपको जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, ये सभी क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इमोशनमेंट है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके सामने आगे भी नई नई वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें, और हमारे द्वारा बनाई गई काफ़ी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं उसमें करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी इन सभी की, और आपके हमने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको एनवायरमेंट की वीडियो भी। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।